नमस्कार दोस्तों, मंडल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज नवंबर मंथ का क्यूओटीडी पार्ट 5 करेंगे। इसमें देंगे मेंस्ट्रुएशन के 4 क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 4 में भी हमने मेंस्ट्रुएशन के 4 क्वेश्चन किए थे, तो हमने देख लीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन है इनके जैसे ही, इन थोड़े अलग है, तो देख लीजिएगा। और पार्ट 5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इतना खास नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में आ गया तो आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द साइड ए ऑफ क्यूब हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब इन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, ठीक है। हेमिस्फीयर के अंदर एक क्यूब बना हुआ है, क्यूब की साइड की वैल्यू स्मॉल ए और हेमिस्फीयर की रेडियस वैल्यू स्मॉल आर, ठीक है। मीन अगर रेडियस गिवन होता, मान लो 10 गिवन होता, 12 गिवन होता, तो हम आंसर निकाल लेते, ठीक है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो हमारा स्मॉल ए इज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। देखिए ऑप्शन में स्मॉल आर है, इसलिए स्मॉल आर की वैल्यू पता होती है तो हमारी स्मॉल ए की वैल्यू भी निकल जाती, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जनरल फॉर्मल ड्राइव किया मैंने आपके लिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वैल्यू गिवन हो तो आप आराम से कर सके, ठीक है। तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ओडी इक्वल टू स्मॉल आर गिवन है। ओडी जो है हमारा रेडियस हो गया हेमिस्फीयर का, वैसे ही जो बीडी है, बीडी है वो साइड ऑफ क्यूब है जो कि स्मॉल ए है। और अब ट्रायंगल ओ में, ट्रायंगल ओडीबी में घुसा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओ है, ये डी है और बी है, ठीक है। यहाँ पे ओडी गिवन है क्या स्मॉल आर, बीडी गिवन है स्मॉल ए, ठीक है। हमें चाहिए ओबी, ओबी निकालने के लिए आप एबी निकाल लीजिए और एबी का हाफ कर लीजिए, ठीक है। एबी निकालने के लिए आपको ट्रायंगल एसीबी में घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल एसीबी देखिए, यहाँ पे ओ है देखिए बीच में, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू है स्मॉल ए और बी सी वैल्यू स्मॉल ए, तो ए बी को रूट टू हो जाएगा, रूट टू है तो बी की वैल्यू रूट टू आ गई, ठीक है। ओ बी की वैल्यू ए बी बाई टू है एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट टू बाई टू ए। मैंने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कहाँ ट्रायंगल ओ डी बी में, ट्रायंगल ओ डी बी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है, ठीक है। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। आपको तीन वैल्यू पता है, आपको ओ डी वैल्यू पता है, बी डी वैल्यू पता है और ओ बी की वैल्यू पता है, पुट कर दो। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइड ऑफ क्यूब आ जाएगा जो कि अंडर रूट 2/3 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए या ये पूरा डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होती है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, इसलिए ज्यादा फॉर्मूला याद कीजिए, उन्हीं फॉर्मूलों को याद कीजिए जो कि ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है। और उन फॉर्मूले को कम याद कीजिए जिनको आप डिराइव कर सकते हैं। अगर आप इसको डिराइव कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक। ये बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, बस ट्रायंगल ओडीबी देखो, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर, इसकी वैल्यू स्मॉल ए, इसकी वैल्यू रूट टू बाई टू ए, बस डेरिवेशन कर दो, इसका आंसर आ गया। तो आपकी मर्जी, आप इसको याद कर सकते हो याद कर लो, डिराइव कर सकते हो डिराइव कर लो। अगर पेपर में आ गया तो अगर आपने याद कर रखा हो टिक मार दोगे, ठीक है। और अगर याद नहीं कर रखो ड्राइव करने के बाद लगभग आपके आधे मिनट वेस्ट होंगे, फिर टिक मारोगे, ठीक है। और आने के चांस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन से, इसलिए बोल रहा हूँ डेरिवेशन याद रखिए वही काफी है आपके लिए, ठीक। तो जितने कम फॉर्मूले हो, पर जितने कम फॉर्मूले आप याद कर रहे हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही आपका टाइम बचाते हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम स्क्राइब इन अ कोन, ठीक है। स्फीयर कोन के अंदर बना हुआ है, ठीक। कोन का जो रेडियस है कैपिटल आर, हाइट कैपिटल एच, सेंटर कैपिटल एल, ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लिया रेडियस ऑफ स्फीयर ओडी इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओडी लिया है जो कि स्मॉल आर है, ठीक है। और आप यहाँ देखते हो जो ए की वैल्यू है, ए कहाँ में लिखा हूँ, ब्लू पेंसिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जो ए है वो कैपिटल एच है और जो ओडी है ये स्मॉल आर है, तो इतना बचेगा ए ओ वो कितना जाएगा एच माइनस आर, ठीक है। इसका लो भी यूज होगी, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप देखिए ट्रायंगल ए सी और ट्रायंगल ए डी ओ, ठीक है, ये चीज हमें याद रखिएगा। ऐसा हम करना पड़ता है जब भी स्फीयर कोन के अंदर होता है तो, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं होता है, इस टाइप से होता है कि स्फीयर के अंदर, सॉरी कोन के अंदर एक स्फीयर बना होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे कहीं बना होता है, तब भी हम ऐसे ही करते हैं, याद रखिएगा। तो ट्रायंगल ए सी और ट्रायंगल ए डी ओ, देखो ट्रायंगल ए सी में, ट्रायंगल ए डी ओ में जो एंगल ए है दोनों में कॉमन है, यहाँ ये वाला,
और एंगल ई और एंगल डी 90 डिग्री है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो सी अपन ओडी इक्वल टू ए सी अपन एओ, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें वैल्यू पता है सी की, सी की वैल्यू गायब हो गई एक चीज, वन सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है, ओडी की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर है, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी ये रहा कैपिटल एल है, और एओ की वैल्यू क्या है, एच माइनस स्मॉल आर है। सारी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई हमारे पास स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कैपिटल एच अपॉन आर प्लस आर, यानी हमारा जो रेडियस ऑफ स्फीयर है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इंटू हाइट ऑफ कोन अपॉन रेडियस ऑफ कोन प्लस स्लैंट हेड अपॉन स्लैंट हेड ऑफ कोन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके दो डेरिवेशन आपको और मिल सकते हैं, दो डेरिवेशन मतलब एक डेरिवेशन तो मैंने कर रखा पहले से, इसके लिए आपको क्यूओटीडी पार्ट 22 देखना पड़ेगा सितंबर मंथ का, ठीक है, उससे आपको मिल जाएगा नया सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको जो सॉल्यूशन अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। क्यूओटीडी पार्ट 22 में मैंने क्या कर रखा है, मैंने कर रखा है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इन अ ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये हमारा कोन है, ट्रायंगल फॉर्म में दिखता है कोन, और ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। और अगर हम इसे काट दें यहां से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, और ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो इस टाइप के मैंने डेरिवेशन में कर रखे मैंने पार्ट 22 में, तो आप देख सकते हैं सितंबर मंथ का पार्ट 22, ठीक है, क्यूओटीडी का। और एक बात है, इसका और एक डेरिवेशन है, वो भी आपके लिए कर देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, उठा दो यार, ठीक। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर क्या हो गया, हमारा स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लो, इस पॉइंट से इन तीनों को जोड़ दो, तीनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्योंकि इससे पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक, ग्लू पेन लो यार, हाँ यहाँ पे इसको मिला दो, यहाँ पे इसको मिला दो, ठीक है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे ओ, और इसे डी, इसे ई, इसे एफ, ठीक है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया हाफ इंटू बीसी, बीसी का 2R इंटू एडी, एडी वैल्यू का यहाँ पे कैपिटल एच, ठीक है। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ इसकी वैल्यू को जाएगी हाफ इंटू, हाफ इंटू ओ एफ, ओ एफ की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर इंटू, ए बी की वैल्यू क्या है, एल, ठीक है। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू बी सी, बी सी वैल्यू क्या है, 2R इंटू 2R, और ओडी वैल्यू का स्मॉल r, ठीक है। और आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो ट्रायंगल ए बी ओ प्लस ट्रायंगल ए सी ओ प्लस ट्रायंगल बी ओ सी के एरिया के बराबर है, ठीक है। अगर इन सब वैल्यू को पुट कर दोगे आप, ठीक है, तो हाफ से आप तो कट जाएगा, तुम्हारे पास बचता है 2R इंटू एच इजिकल टू आर एल प्लस आर एल प्लस 2R इंटू आर इज 2RR, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको सॉल्व करोगे जाएगा 2RH इजिकल टू 2RL प्लस RR, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद स्मॉल r इक्वल टू आर एच अपॉन एल प्लस आर आ गया है, ठीक है। तो देख सकते हो आप इस क्वेश्चन के आपको तीन डेरिवेशन है, तो एसएससी में आने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम, मैंने आपसे पहले कहा था जो थर्ड क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि इसमें हमें जो डेरिवेशन है इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अब देखिए, सिलेंडर हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम इज डिस्क्राइब्ड इन अ कोन, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इज, ठीक है। तो देखिए, कोन के अंदर क्या बना है, सिलेंडर बना है, ठीक है, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, जो बाहर की वैल्यू है मैंने उनके लिए
बड़ी वैल्यू ली है मींस कैपिटल में, ठीक है, वॉल्यूम रेडियस ऑफ कोन कैपिटल आर, हाइट ऑफ कोन कैपिटल एच, इंसिडेंट हाइट ऑफ कोन कैपिटल एल, ठीक है। और जो अंदर का हमारा सिलेंडर बना है अंदर छोटा है, तो इंक्लाइन वैल्यू ली स्मॉल में, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल स्मॉल आर, हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो बी सी जो है 2R हो गया, डी क्या हो गया 2 स्मॉल आर हो गया, ए एन हो गया, ए एन जो हो गया कैपिटल एच हो गया, और जो ए एम हुआ वो एच माइनस एच हुआ, ठीक है। इन वैल्यू को पुट करने के बाद अब आप देखते हो ट्राइंगल ए डी और ट्राइंगल ए बी से सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर हुआ तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ चुका है कि डी डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए एम अपॉन ए एन, ठीक है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी जो मैंने यहाँ पे लिखी सारी वैल्यू ये पुट कर दी, तो इससे हमारे पास आ गया है स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच माइनस आर एच बाई आर, ठीक है। तो अब करेंगे अब डिफरेंशिएशन, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना होगा पहले, तो वॉल्यूम सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वी सी इक्वल टू ये आ गया है, जो वी सी हमारा स्मॉल आर कैपिटल एच और कैपिटल एच के टर्म्स में है, स्मॉल आर हमारा अननोन है विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, कैपिटल आर एच कैपिटल आर एच और आर हमें गिवन होगा एक्चुअल पेपर में अगर आएगा भी, तो स्मॉल आर अननोन है, तो इसको हम स्मॉल आर के टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास स्मॉल आर इक्वल टू 2/3 कैपिटल आर आ गया है, इसको आप याद रखिएगा, याद रख सकते हो तो, ठीक है। वैसे स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन 3 आ गया है, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये गिवन था, अगर स्मॉल आर निकल गया तो कैपिटल एच भी निकल जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो, ठीक है। अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए इनका रिलेशन पता चल गया हमें, जो हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर है ये रेडियस ऑफ कोन के कितने पार्ट्स के बराबर है, ठीक है। वैसे जो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर है ये हाइट ऑफ कोन के कितने पार्ट्स के बराबर है, ये मिल गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो जो सारे भी अननोन टर्म से कट जाएंगे और हमारा आंसर जाएगा 4/9, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप याद इतना डायरेक्शन वगैरह याद की जरूरत नहीं है, जितना आप याद रख सकते हो उतना याद रखो, चाहे आप इतना याद रख सकते हो इतना याद रखो, और अगर इनके साथ इनको भी याद कर सकते हो तो इतना याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पेपर में आ गए तो आपको 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है साइड ए ऑफ अ क्यूब, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ कोन ऑफ हाइट एच एंड रेडियस आर एस, ठीक है। तो अब देखिए कोन में क्या इंस्क्राइब्ड है, सर कोन में इंस्क्राइब्ड है क्यूब, ठीक है, तो क्यूब की साइड ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और ऑप्शन में देखिए क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के लिए हाइट एच दे रखा है और रेडियस आर दे रखा है कोन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी सी क्या होगा 2R होगा, ए एन इक्वल टू एच होगा, ए एम इक्वल टू एच माइनस ए होगा, ठीक है। तो आप डी देखो, ठीक है, डी की वैल्यू ये देखो, आप ये देखो, ये हमारा 1 सेकंड ना, ओके, तो हम यहाँ थे, हमें चाहिए थी डी एम क्यूर चाहिए थी, ठीक है, डी क्यूर चाहिए थी, ठीक है। तो डी हमारा अब ट्राइंगल डी एफ ई देखो, ट्राइंगल डी एफ ई देखो, ट्राइंगल डी एफ ई में जो हमारा एंगल एफ है वो क्या है 90 डिग्री है, और जो डी एफ है स्मॉल ए है और एफ ई भी स्मॉल ए है, तो डी इक्वल हो जाएगी √2a, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी से देखो, दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों सिमिलर हुआ तो एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, जो एम हुआ वो एच माइनस ए हुआ, ठीक है, एच माइनस ए कैसे हुआ, दो जो ए एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे एच हो गई, और जो एम एन की वैल्यू है वो हमारी एम एन ये ए है, ठीक है, तो एम एम की वैल्यू हो जाएगी एच माइनस ए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने में एच माइनस ए और ए एन की वैल्यू पहले से पता है हमें एच है इज इक्वल टू डी की वैल्यू √2a है, ये रही डी की वैल्यू डी और ये एफ √2a और बी सी वैल्यू 2R हो गई, सारी वैल्यू पुट कर दी, सारे वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 1/a इज इक्वल टू 1/√2R प्लस 1/h। आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व किया मैंने इसको और सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई है स्मॉल इक्वल टू √2R प्लस सॉरी
रूट टू आर अपॉन रूट टू आर प्लस एच, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारे चारों क्वेश्चन हो गए हैं, चार क्वेश्चन हो गए, चार क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो मैंने पार्ट फोर और पार्ट फाइव में मेंसुरेशन कुछ क्वेश्चन किए हैं मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर, मींस अगर किसी शेप के अंदर दूसरा शेप बना हो, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन कैसे हो सकता है, तो मैंने सब ड्राइव कर दिया है, आठ क्वेश्चन किए मैंने। ठीक है, आपको आठ क्वेश्चन मिल गए हैं, अच्छे अच्छे हैं, तो उसमें से मैंने पार्ट फोर में दो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, दो क्वेश्चन शायद पार्ट क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, और पार्ट फाइव में क्वेश्चन नंबर वन टू फोर, ये मतलब टोटली फाइव क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। तो बाकी तीन क्वेश्चन है, बाकी तीन क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना पड़ा है, डिफरेंशिएशन करने के हिसाब से वो एस एस सी लाइक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप उनको याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आ गए तो आप आराम से कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे को समझ में आ गए हो, और पीडीएफ सब अपलोड करते जा रहा हूँ बनाते हुए, ठीक है, तो पीडीएफ भी अपलोडेड है, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से देख लीजिएगा, बाद में समझ में नहीं आता तो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।